अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, रिजवान दानिश, बायोलॉजी लेक्चर इज हेयर। आज हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के हवाले से। चैप्टर नंबर 6 की हम जो है ना समरी देखेंगे पूरे चैप्टर की। चैप्टर नंबर 6 ऑलरेडी एक शॉर्ट सा चैप्टर था, लेकिन इसके अंदर जो है ना ALP की वजह से इसके अंदर कुछ फैक्टर्स और स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स को जो है ना वो एक्सक्लूड किया गया है। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है ना हम उसके जो है ना समराइज करके उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एंजाइम। सबसे पहले वो बात करता है मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता रहता है और अक्सर पूछा जाता है कि मेटाबॉलिज्म की जो है ना उसको डिफाइन करें और साथ उसकी जो है ना टाइप्स के हवाले से बताएं। मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रही हैं सारों को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। अब इस मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीज़ें शामिल हैं, एक को हम नाम दे रहे हैं कैटाबॉलिज्म का और एक को हम नाम दे रहे हैं एनाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिक रिएक्शन जो है ना इसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शन और इसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है इनको हम कहते हैं इसके अंदर जो है बड़े मालिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जो लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन की जाती है और उनसे छोटे छोटे मालिक्यूल जो हैं वो बनाए जाते हैं। यानी कि जैसे कि हम फूड खाते हैं फूड के जो है ना बड़े मालिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है। इसी तरह एनाबॉलिज्म की हम बात करते हैं तो एनाबॉलिज्म इसके जो है ना अपोजिट प्रोसेस है। इसके अंदर छोटे मालिक्यूल्स को जो है बड़े मालिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि छोटे मालिक्यूल्स को कंबाइन करके बड़े मालिक्यूल्स बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, तभी मैंने इसका एरो ऊपर बनाया कि इसके अंदर जो है एनर्जी वो रिलीज होती है, जबकि एनाबॉलिक जो रिएक्शन है जो कि ये फॉर्मेशन प्रोसेस होता है और इस फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर जो है एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है, एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हमने एक तो इसको समराइज किया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन मेटाबॉलिज्म क्या है और इसके अंदर जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। ये बाज़ुकात MCQs में सेपरेटली पूछ लेता है कि एनर्जी कहाँ पे रिलीज होती है और कहाँ पे यूटिलाइज होती है। नेक्स्ट वन इज बायोकैटालिस्ट। हम एंजाइम्स को बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं। कैटालिस्ट ऐसे जो है ना वो चीज़ें होती हैं या ऐसे केमिकल्स या सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तेज करते हैं। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन अगर 5 मिनट्स में हो रहा है तो बाई मीन ऑफ दीज कैटालिस्ट बाई मीन ऑफ दीज एंजाइम्स जो है ना वो रिएक्शन 5 मिनट की बजाय 1 मिनट में हो जाता है या इससे भी कम टाइम में हो जाता है। तो यानी कि जिस रिएक्शन को जो स्पीड अप करने वाले जो केमिकल्स हैं जो सब्सटेंसेस हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम नाम दे रहे हैं बायोकैटालिस्ट का। बायोकैटालिस्ट जो है इनको हम साइंस की जबान में एंजाइम्स का भी नाम देते हैं। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स एक्चुअली प्रोटीन के बने हुए कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका काम जो है ना अक्सर जो है ना वो ब्रेक डाउन का होता है या रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है। अब हम इसमें दो चीज़ें और देखते हैं, सबस्ट्रेट्स और प्रोडक्ट्स। सबस्ट्रेट उन चीज़ों को कहते हैं जिनके ऊपर एंजाइम वर्क कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन है जिसमें A+B हम लिखते हैं कि ये दो चीज़ें आपस में जो हैं वो कंबाइन हो रही हैं और बनती हैं C+D। जो चीज़ें बन रही हैं यानी कि जो चीज़ें आपस में मिल रही हैं उसको हम सबस्ट्रेट्स कहते हैं और इन दोनों के मिलने के बाद जो चीज़ बनती है जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। तो ये हो गया सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स, इसमें भी डिफरेंस पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी से मुराद वो एनर्जी या वो कम से कम एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दरकार होती है, किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में हेल्प करती है और ये उस रिएक्शन के लिए एक बैरियर का काम कर रही होती है, यानी कि ये जैसे ही बैरियर हटता है जैसे ही उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है तो वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, बाज़ुकात ये दोनों चीज़ें जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है। डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी एंड हाउ एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, के एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी की जो ज़रूरत है उसको कैसे कम करते हैं। मिसाल के तौर पर एनर्जी अगर 500 kJ/mol चाहिए तो अब हम एंजाइम का इस्तेमाल करके जो है वो 500 को जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। इसके 3 पॉइंट्स जो है ना वो बनते हैं कि किस तरह से एंजाइम जो है एक तो करेक्ट ओरिएंटेशन में लेके आते हैं सबस्ट्रेट्स को, दूसरा जो है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको भी जो है ना वो निग्लेक्ट करते हैं, उसको भी जो है ना एडजस्ट करते हैं एंजाइम्स, और जिससे जो है एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसकी ज़रूरत जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। हम देखते हैं कि एंजाइम जो है ना बिकॉज ऑफ देयर वर्किंग जो है ना इसके 2 टाइप्स हैं, इसको हम इंट्रा सेलुलर कहते हैं और कुछ को हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। जो सेल के अंदर काम कर रहे हैं वो इंट्रा सेलुलर हैं, जो सेल के जो है ना बाहर वर्क कर रहे होते हैं उनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।
और इसी में से काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सबसे पहले तो हमने एक तो इंट्रोडक्शन लिखना है कि किस तरह से विलहम कुने ने जो है ना एंजाइम्स को डिस्कवर किया। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं, तो वगैरह ये इंट्रोडक्शन आपका आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद आपने ये बताना है कि एंजाइम बजाते खुद क्या है, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। फिर आपने बताना है कि ये कैटालिस्ट भी कहलाते हैं। कैटालिस्ट इसलिए कहते हैं चूंकि ये रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं, रिएक्शन को तेज कर रहे हैं, इसलिए हम जो है ना इनको बायो कैटालिस्ट या कैटालिस्ट का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग बनती है वो है एक्टिव साइट। के एंजाइम जो है ना पूरा का पूरा इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि एंजाइम मालिक्यूल की एक खास जगह होती है जो कि इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे जो है मालिक्यूल जो है कि आगे अटैच होते हैं और आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। मतलब एक खास जगह होती है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक्टिव साइट है इसकी, ये एक्टिव साइट है, यहाँ पे आके सबस्ट्रेट आके मिलेंगे तो प्रोडक्ट बनेगी। तो ये जो मखसूस जगह जो इन्वॉल्व है उसके लिए, वर्किंग के लिए या रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। नेक्स्ट वाले से कंसेप्ट होगा इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स का। इनहिबिटर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासर करती हैं, जो उसको स्टॉप करती हैं, जबकि एक्टिवेटर्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि एंजाइम की एक्शन को जो है ना वो स्पीड अप करवाते हैं, आगे चलवाते हैं। नेक्स्ट वन इज कोफैक्टर। बाज़ुकात एंजाइम्स को अच्छी तरह से वर्क करने के लिए नॉन प्रोटीनियस पार्ट की ज़रूरत होती है, जिसको हम कोफैक्टर का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब जैसे कि हमने कोफैक्टर को डिस्कस किया यहाँ पे, अगर यही कोफैक्टर जो है ना एंजाइम के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ जुड़ा हुआ होगा तो इसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर ये लूजली अटैच होगा तो इसको हम कहते हैं कोएंजाइम्स। तो हमारे पास एक हेडिंग ये बन गई कोएंजाइम की, कोफैक्टर्स की और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की। नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिक पाथवेज। और अच्छा, इसमें जो है ना को एंजाइम्स और प्रोस्थेटिक के कुछ जो है ना एग्जाम्पल भी दी गई हैं, थायामीन होती है, ठीक है, और इसके अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं और डिफरेंट जो है ना फॉलिक एसिड है और राइबोफ्लेविन वगैरह, ये चीज़ें जो हैं, NAD होता है, निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ना, ये भी क्या है, ये को एंजाइम्स हैं। तो इनकी आपने साथ साथ एग्जाम्पल्स भी, जिसकी अलग हेडिंग दे के आपने एग्जाम्पल्स भी ज़रूर तहरीर करनी है। नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं कि ये जो एंजाइम का जो एक्शन है वो इसी तरह से नहीं होता, मतलब फौरन से जो A+B फौरन C+D में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है। असल में प्रोसेस इस तरह से होते हैं, ए जो है वो कन्वर्ट करता है बी को, बी सी को, सी डी को, इस तरह से एक लंबी चेन चलती है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। तो हमारे पास एक तो लॉन्ग क्वेश्चन ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स था जो कि यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। बाज़ुकात जो है ना वो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पूछता है, तो जब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पूछे तो आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर बताना है कि किस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट्स आपस में मिलते हैं। सबसे पहले जैसे ही एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। कम्प्लेक्स बनने के बाद उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट बनती है और एंजाइम जो है वो जो एंजाइम होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये आपने सबसे पहले आपने ये बताना है कि एंजाइम सबस्ट्रेट मिलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और प्रोडक्ट साथ अलग हो जाती है और एंजाइम दोबारा से सेपरेट हो जाते हैं। और उसके बाद आपने ये बताना है कि इसके हवाले से दो मॉडल पेश किए गए हैं। एक जो मॉडल है उसको हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, और जबकि दूसरा जो मॉडल है उसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। जो लॉक एंड की मॉडल है उसको जो है पेश किया गया था इमल फिशर ने। इमल फिशर जो है ना उसने जो है ना लॉक एंड की मॉडल के हवाले से ये बताया कि जैसे एंजाइम के जो है ना इसकी एक्टिव साइट की जगह होती है, सबस्ट्रेट की शेप भी वैसे ही होती है, दोनों आपस में फिट हो जाते हैं और ये जो इसकी एक्टिव साइट होती है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, यानी कि हार्ड है, जिसके अंदर सबस्ट्रेट जो है ना वो आके अटैच हो सकता है। तो इसके आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना है कि किसने जो है ना इमल फिशर ने कौन से सन के अंदर जो है ना इसको डिस्कवर किया, इसके बारे में स्टेटमेंट दी और स्टेटमेंट क्या थी, कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो है कि लॉक एंड मॉडल क्या है, और उसके बाद आपने डायग्राम लिखनी है। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा जिसमें आपने लॉक एंड की मॉडल को डिस्कस किया। नेक्स्ट है इंड्यूस फिट मॉडल, जो कि डैनियल कॉशलैंड ने जो है ना वो पेश किया था। सबसे पहले इसका भी आपने इंट्रोडक्शन लिखना है कि किस सन में जो है डैनियल कॉशलैंड ने इंड्यूस फिट मॉडल जो है ना वो पेश किया, और उसके बाद आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कि ये क्या कह रहा है कि इसकी जो है ना
कि एक्टिव साइट जो है ना वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एक जो है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल होने की वजह से जो सबस्ट्रेट आता है तो सबस्ट्रेट के मुताबिक जो है ना एंजाइम जो है वो अपने जो है ना इसकी एक्टिव साइट की जो है वो जगह वो तब्दील कर लेता है, और उस तब्दील करने से शेप की जो तब्दीली होती है तो उसके बाद जो है ये सबस्ट्रेट जो है इसके अंदर जो है वो फिट आ सकता है। तो ये मॉडल बताया था डैनियल कॉशलैंड ने। और नेक्स्ट आपने इसके जो है ना वो सिंपल सी डायग्राम्स हैं, जहाँ पे मैंने आपको डायग्राम्स के कुछ जो है डिमॉन्स्ट्रेशन दी है कि आप इस तरह की जो है ना सिंपल डायग्राम्स बना सकते थे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हमने चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारे राउंड नंबर 4 में शामिल है, चैप्टर नंबर 6 भी है, 7 भी है, 7 को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, 6 का हमने आज रिव्यू किया, इसकी समरी को हमने देखा। आई होप सो कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी या कॉल मी वाया व्हाट्सएप, आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस्ड।